वोल्टेज की बात करें तो इसमें दो ही वोल्टेज आते हैं। ये देखो ये पूरे वोल्टेज चल रहे हैं, तो इस वोल्टेज को देखते हैं। यहां पर जाकर ना वोल्टेज का भी फर्क होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो इसको जूम करके देख लेना। देखो ये है TX, बेसिकली TX का 1.8 वोल्टेज, ये RX का 1.8 वोल्टेज, ये TX का 1.2, TX का 1.2, RX का रिसीविंग के वोल्टेज है, रिसीविंग VDD कैप्स, मतलब ये बेसिकली इसका इनपुट वोल्टेज है चार्जिंग पंप, और TCXO, ये अगर ये कॉइल भी निकल गया तो बेसमेंट अनडॉन हो जाएगा। और ये सब मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं तो ही बता रहा हूं। बेसमेंट क्योंकि एक्सो को ऑन करने के लिए उसको वोल्टेज भी चाहिए, हेलो और वो उसको यहाँ पर वोल्टेज रेफरेंस टीसी एक्सो से 1.8 वोल्टेज इसके थ्रू यहाँ पर दे रहा है। अगर ये यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिला तो एक्सो की लाइन आएगी भी तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमको इनपुट के लिए वोल्टेज भी चाहिए, हेलो। तो ये कॉइल भी निकला तो भी आपका काम गड़बड़ हो जाएगा और बेसमेंट क्या हो जाएगा, चलिए बताऊं खींचो फोटो। तो बेसिकली